बहुत ही गौरव के क्षण है कि आज हमारे बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जी कंवर साहब की गरिमामय उपस्थिति है और इस कार्य को आगे बढ़ाया है विष्णु द्विवेदी साहब हमारे आसन के ध्वजवाहक जिन्होंने ये आयाम ये खेलों के लिए बहुत ही बड़ा मन से एक फलक उन्होंने मंडला के पावन धरा पे पहली बार इतना विराट आयोजन वाकई में गौरव के क्षण है मंडला के लिए इस क्षेत्र के लिए ऐसे क्षणों के हम साक्षी बन रहे हैं और 69वीं मध्य प्रदेश राज्य अंतर जिला सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का दूसरा दिन है और लगातार देखिए कोर्ट नंबर इस समय मुकाबला शुरू हो चुका है कोर्ट नंबर 2 पे जहां धार की टीम भिड़ रही है फिलहाल ग्रुप फोटोग्राफ से समय एक साजी तस्वीर जो रोमांचित करेगी यकीनन तौर पे खिलाड़ियों को ऊर्जा मिला करता है जब हमारे ऊर्जावान में अतिथि आपके बीच होते हैं अलग अलग विधा अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां हम अपने मीडिया के साथियों का पुलिस प्रशासन का स्थानीय नेतृत्व का सबका बहुत आभारी है और सबसे ज्यादा हमारे मंडला के दर्शकों का जहाँ के तमाम व्यक्तित्वों का जिन्होंने इस आयोजन को अनूठा और खूबसूरत बनाया है फिलहाल चारों ही कोटों पे मुकाबला जारी रहेंगे क्योंकि लगभग 75 टीमें शिरकत कर रही हर इकाई से हमारे ऑफिसर्स ने भी बहुत मान सिंह जी आप मैदान नंबर 2 पे चले जाओ मान सिंह जी छतरपुर मैदान नंबर 2 पे चले जाइए आप उस टीम के साथ ज्वाइन कर कीजिए आप टॉस का समय दोनों कप्तान आ जाए कृपया टॉस के लिए सुभाष भास्कर मैदान नंबर 1 पे चले जाए फिलहाल टॉस के दौरान माननीय अतिथि शिवराज सिंह साहब शिवा भैया के नाम से लोकप्रिय पूर्व विधायक और वर्तमान में आयोजन समिति के हमारे सचेतक साथ में रजेंद्र सिंह जी कंवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माननीय भीष्म द्विवेदी जी इस आयोजन के सूत्रधार साथ में डॉक्टर गुलबहार खान साहब और साथ में डीएस ठाकुर जी और पूरी टीम सब और चलते हैं कोर्ट नंबर 3 पे भी वहां भी परिचय के लिए और पूरा मध्य प्रदेश एक मंच पे है सबसे खुशी की बात है कि आपके मंडला में हर इकाई हर जिले से टीमें आई है और परिचय प्राप्त करने के लिए कोर्ट नंबर 3 पे मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भीष्म भैया से माननीय अतिथि से दोनों टीमों से आग्रह किया पंक्तिबद्ध रहे और क्यों वहां टीम नहीं आई के मैदान पर अरुण कुमार जी टीम आ गई दोनों आ गई ओके जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए आज के कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर शिवराज शाह साहब शिवा भैया आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साथ में गजेंद्र सिंह जी कंवर विष्णु जी और पूरी हमारे आयोजन समिति की टीम इस हमारे आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक सम्माननीय रेफरी बोर्ड के चेयरमैन जेसी शर्मा साहब सम्माननीय एमआर शर्मा जी पतिराज सिंह जी शानू यादव जी सुनील ठाकुर जी मुकेश करवरिया जी मंगल सिंह जी यादव साथ में अगर बात करें अरुण राजपूत जी और पूरी हमारे ऑफिसर्स टीम का मैं बहुत हृदय से हार्दिक अभिवादन फिलहाल जोरदार तालियां दोनों टीमों की तरफ से फर्स्ट रेड शहडोल और निवाड़ी जिला का मुकाबला हमारे साथ जिला खेल एवं बात करें वह कल्याण विभाग के सम्माननीय रविंद्र ठाकुर जी शशांक जी और पूरे हमारे ऑफिसर्स पैनल या जोरदार तालियां बजाइए हमारे प्रो कबड्डी रेफरी बात करें ब्रजेश वागोरा जी पुष्पेन पांडे जी राष्ट्रीय निर्णायक साथ में मस्तान सिंह जकीर मिथिलेश चतुर्वेदी कल्पना पाठक अलका मिश्रा जी राष्ट्रीय निर्णायक पूरी टीम साथ में बात करें और शिवानी और तमाम हमारे ऑफिस के टीम के साथ डॉक्टर गुलबहार खान साहब और
सम्माननीय विष्ण द्विवेदी जी, हमारे इस कार्यक्रम के रूहे रवा जोरदार तालियां निवाड़ी जिला और शहडोला में सामने हो रहे हैं। आज के इस कोर्ट नंबर 4 पे परिचय का समय सब है, रवि गौड़ और पूरी टीम सब है। और खुशस टीम में सुनील ताम्रकार जी और पूरी युवा टीम का मैं बहुत अहर से हार्दिक अभिवादन। फिलहाल चारों ही कोर्टों पे मुकाबला कुछ क्षणों में शुरू होता हुआ ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए आ जाए दोनों टीमों से आग्रह करूंगा। एक साजी तस्वीर के लिए ऑफिसर्स भी आ जाए कृपया, ये लम्हे को जीवंत बनाएंगे हमारे ऑफिसर्स। बड़ी मेहनत की ऑफिसर्स ने भी, अभी लगातार मुकाबले आयोजित होने हैं और अहम भूमिका रहेगा इन ऑफिसर्स का। ड्रोन कैमराज अत्याधुनिक तकनीक की झलक हमारे पुलिस प्रशासन का। मैं बहुत आभारी हूँ गजेंद्र सिंह जी, कंवर साहब जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, साथ में आज शिवा भिया का सानिध्य मिल रहा है, पूर्व विधायक, और बहुत ही गौरव का क्षण। फिलहाल दूसरी टीम से आग्रह करूंगा कृपया आ जाए ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए। शहडोल और मुकाबला है, बेहतरीन दोनों ही टीमें आमने सामने हो रही है। और मैं बहुत आभारी हूँ पूरी हमारी आयोजन समिति का, सम्माननीय विष्णु द्विवेदी साहब, सम्माननीय डॉक्टर गुलबहार खान जी, डी एस ठाकुर जी और तमाम हमारे आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिनकी महती भूमिकाएं हैं। मैं बहुत आभारी कि मंडला में पहली बार महेशमती की पावन धारा कबड्डी के आगोश में है। और फिलहाल टॉस के लिए दोनों कप्तान आ जाए, विजय सिंह ठाकुर साहब पुलिस विभाग से, उनका भी मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं और बहुत ही खुशी के क्षण। फिलहाल सीधे अब मुकाबले का लाइव एक्शन कमेंट्री लेकर के मैं आप तक पहुंचने वाला हूं कुछ क्षणों में, जैसे परिचय का सत्र जैसे ही समाप्ति की तरफ होगा। मैं बहुत आभारी हूं विष्णु द्विवेदी साहब अध्यक्ष इस कार्यक्रम के, साथ में माननीय आज के कार्यक्रम के अतिथि शिवराज शाह साहब जो कि पूर्व विधायक इस कार्यक्रम में अपने शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल मुकाबले का लाइव एक्शन लेकर के चार का डिफरेंस से 5 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर के अच्छा फुटवर्क है। मैच को ऑफिसिएट करें अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक अंपायर बात करें सुनील ठाकुर साहब, रविंद्र जी यादव, अनंत जी तिवारी और पूरी हमारे ऑफिसर टीम, सम्माननीय जेसी शर्मा साहब हमारे अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक और रेफरी बोर्ड के चेयरमैन आपके मार्गदर्शन में। फिलहाल सीधे चलते हैं और ऑफिसर्स की बात करें, योगेंद्र सिंह जी, रीति मार्को, पुष्पा रघुवंशी मैम, मुकेश करवरिया जी और लाइव एक्शन लेकर के मैं विकास आपका। आइए देखते हैं दोनों टीमों के बेहतरीन चपलता देखने को मिल रही है। फिलहाल टू अडाई रेड है, क्या बेहतरीन कोशिश, हाथ को रोक लिए लेकिन पैर को नहीं रोक पाएंगे, बेहतरीन अंदाज में रेडर ने कार्य किया। फिलहाल स्कोर आइए देखें दोनों टीमों का, 3 पॉइंट बने हैं और दतिया इस समय 11 पॉइंट पे और 8 पॉइंट पे है धार जिला। दतिया धार जैसी बड़ी टीम को क्या जबरदस्त चुनौती दे रही है, काबिले तारीफ है। धार की रेड आई है ऑल आउट के नजदीक, रनिंग किक की कोशिश इस समय 7 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी के लिए। धार जिले में क्या वापसी होगी, नाम है इनका यश, बोनस प्लस 1 पॉइंट, शानदार रेड की है यश ने, नाम यश है, क्या नाम के अनुरूप अपनी यश अर्जित कर पाएंगे खेल से। बहुत ही शानदार आयोजन वाकई में और आज इस कार्यक्रम। हेलो जी सर, आपने जो मैच खेले जाएंगे वे इस प्रकार है, कृपया ध्यान दें सभी टीमें, रीवा जिला, सागर जिला, ध्यान से सुनते जाइए आप जो अगले मैच में अनाउंस कर रहे हैं। खिलाड़ी बंधु बार बार निवेदन करने के बाद भी आपसे
कृपया कर बैरिकेड्स के बाहर आप लोग अपना बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें। बार बार आप लोगों से निवेदन किया जा रहा है, हाथ पकड़ के आप लोगों को बाहर करना ठीक नहीं लगता। हेलो तब मत बोल रहा। हेलो, देखिए जो अगले मैच खेले जाएंगे, रीवा जिला, सागर जिला, सिवनी अकेडमी, मुरैना जिला, रतलाम डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम कॉर्पोरेशन, नर्मदापुरम नर्मदापुरम कॉर्पोरेशन जबलपुर एकेडमी शाजापुर, ये चार मैच होंगे, चारों टीमें तैयार, ये आठों टीमें तैयार हो जाएं। रीवा जिला, सागर जिला, सिवनी एकेडमी, मुरैना जिला, रतलाम डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम कॉर्पोरेशन, जबलपुर एकेडमी, शाजापुर, ये चार मैच खेले जाएंगे, चारों टीमें कृपया तैयार रहें। रीवा जिला, सागर जिला, सिवनी एकेडमी, मुरैना जिला, रतलाम जिला, नर्मदापुरम कॉर्पोरेशन, जबलपुर एकेडमी, शाजापुर, ये सभी टीमें, ये सभी टीमें तैयार हो जाएं। जिन टीमों को उद्घोष किया गया कृपया टीमें तैयार रहेंगे। अगले चारों मुकाबले शुरू होंगे। धार जिला वर्सेस मुकाबला चल रहा है दतिया जिला का, दोनों टीमें बराबरी पे। मुकाबले में क्या जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है। रेड की कमान 8 नंबर की जर्सी में दतिया की रेड है, बैक होल्ड किया खूबसूरती से, शानदार टैकल धार के डिफेंस का, धार का धारदार प्रदर्शन इस समय, वापसी की बिगुल है इस समय, 14 पॉइंट पे धार है। दतिया आंख से आंख मिलाता हुआ 12 पॉइंट पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है इस समय। बड़ा मुकाबला 12-14 का स्कोर इन फेवर ऑफ धार। धार के लिए 7 नंबर की जर्सी में यश आए हैं रेड पे। देखना होगा कि दतिया किस तरीके से आगे की रणनीति जारी रखेगी। मैदान में सिर्फ टीम के प्लेयर्स ही होंगे जिनका मुकाबला है, कोई भी दर्शक या फिर अतिरिक्त टीम के खिलाड़ी न रहे, कृपया आपसे कर्तव्य निवेदन है। और जिन टीमों को समाधानी है किसी सर कॉल करते हैं, हमने भी जैसे अनाउंस किया है फिर से एक बार सुन लीजिए, मैच कंटिन्यू होंगे और जल्दी जल्दी होंगे, इसलिए आपसे निवेदन है आप जल्दी तैयार हो जाएं। रीवा जिला, सागर जिला, सिवनी अकेडमी, मुरैना जिला, रतलाम डिस्ट्रिक्ट, नर्मदापुरम कॉर्पोरेशन एवं जबलपुर एकेडमी और शाजापुर, ये आठों टीमें अविलंब तैयार हो जाएं। जिन टीमों को उद्घोष किया गया कृपया तैयार रहेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे मुकाबले हैं लीग दौर के और हमारे ऑफिसर्स का पूरा आपका सहयोग चाहिए। फिलहाल 12 पॉइंट पे है दतिया जिला और धार है 14 पे। रेड आई है धार की, 2 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर के आए हैं। बात करें नागेश के रेड पे और अब 9 नंबर की जर्सी में रेड आई है इस समय। बड़ा मुकाबला है, 4 का डिफेंस है, 2-2 की 2 चेन, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में, बहुत ही शानदार आयोजन। 9 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर के नाम है इनका अमित, इस समय अमित ने पॉइंट लेकर आए दतिया के लिए। दतिया ये 2.5 रेड है इस समय, 21 नंबर की जर्सी में 2.5 रेड लेकर के नाम इनका अभिषेक आए हैं रेड पे। दतिया वर्सेस धार, दतिया माँ पीतम्बरा की पावन धारा के लिए जाना जाता रहा है। धार जिला देखना होगा क्या वापसी करेगा। शानदार मुकाबला, 2-2 की 2 चेन, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में बेहतरीन एंकल होल्ड लेफ्ट कॉर्नर पे, शानदार टैकल इस समय 2.5 रेड के दौरान दतिया के डिफेंस का। दतिया 14 पॉइंट पे, धार भी 14 पे, कांटे की टक्कर इस समय देखने को मिल रही है। बड़ा मुकाबला स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप का 2रा दिन है और हमारे तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक, यहाँ की आयोजन समिति, विष्ण द्विवेदी जी, डॉक्टर गुलवार खान जी, डीएस ठाकुर जी, सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। शिवराज शाह साहब हमारे पूर्व विधायक का आगमन है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माननीय गजेंद्र सिंह जी, कंवर साहब मुख्य मंच पे हैं। फिलहाल आइए स्कोर देखते हैं।
दतिया 15 पे, धार 14 पे, कांटे की टक्कर है। इस बार थोड़ी एडवांस टैकल की गलती थी। लाइव स्ट्रीम चला रहा हूं। बोनस प्लस वन यूट्यूब में दो पॉइंट मिलेंगे धार को। यहां से है क्या? कांटे की टक्कर समय जल्दी जल्दी धार अब 16 पे, दतिया 15 पे। क्या जबरदस्त मुकाबला, सुपर टैकल ऑन, जल्दी जल्दी बैठा था। जबरदस्त आयोजन देखने को मिल रहा है। पहली बार मंडला जिले में बात करें महेश्वरी की पावन धारा नर्मदा तट पे बसे इस समृद्ध इलाके ने खेल को अपने आगोश में ले लिया है। क्या शानदार 4 पॉइंट बनेंगे। इस समय है 16 पे, दतिया 19 पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और विशेष कॉल को आप कृपया ध्यान से सुनेंगे। देखिए सर इसकी जो भी अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि हमें बहुत अनुशासित तरीके से आपको अगले 3 दिन हमें सहयोग करना है। दतिया 19 पॉइंट पे है दतिया जिला और धार कंधा से कंधा मानो बना करके चुनौती देता हुआ 16 पे, 19-16 के 16 समय के बाद इन फेवर ऑफ इस समय दतिया 19 पे, धार 16 पे। हाफ टाइम का ये स्कोर है। हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदलेगा, क्या तस्वीर बदल पाएगी ये देखना दिलचस्प। दतिया लीड में है इस समय 3 पॉइंट की। शानदार ब्लॉक किया
अठवां भगवान करेगा हमारी से मेहनत जैसे शर्मा साहब जो थे भारत सरकार वाली से देश ने अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं साथ में शर्मा साहब वर्ल्ड कप कमेटी और पूरी हमारी टीम बहुत ही हमारी रेफरी फाइनल ऑफिसर की और सुपर क्या और है शानदार मुकाबला देखने को मिलता हुआ 31 पॉइंट पे भार है दतिया है 19 से लगातार कोशिश टू टच का भी प्रयास करते हुए से हम अपने वॉलंटियर्स का बहुत आभारी है जो तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पे भार पिछले एक दो साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनका मुझे याद है मंदसौर में भी अच्छी खेली थी ये चीज लेकिन देखना होगा दतिया के लिए तारीख आज ये थोड़ा इधर हो जाएगा शानदार मुकाबला चारों ही कोटों का मुकाबला जारी है जहां भी अवसर मिलेगा आप तक लाइव कमेंट्री पहुंचाने का कोशिश हमारी रहेगी देश की आज साथ धार ने ऑल आउट किया है दतिया को धार 25 पॉइंट पे और 19 पॉइंट पर दतिया 6 पॉइंट के लिए है अब धार की टीम 10 नंबर के जैसे नगर ले रहा है धार के लिए अभिषेक जाट 7 का डिफेंस है साइड किक की कोशिश रनिंग किक का प्रयास राइट कॉर्नर पे है देखना होगा लॉबी में गए हैं ये ब्लू एरिया में जाने की आदत पड़ी है जब किसी डिफेंडर को टच किए हो तो कबड्डी के नियमों के मुताबिक से धार 26 और जबरदस्त मुकाबला पुलिस इनका ये मैदान गवाही दे रहा भारतीय बच्चे के खेल का और हमारे लाल प्रसारण पहुंचाने वाली टीम उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ और पूरे आसन समिति का और हमारे जिला कबड्डी संघ के आयोजन में जो साथ मिल रहा है विष्णु द्विवेदी साहब का जो कि अध्यक्ष डॉक्टर गुलहार खान साहब सेलेक्शन उपाध्यक्ष डॉक्टर आकाश खत्री जी नितिन ठाकुर जी मंगल चंद्रे जी डी एस ठाकुर जी डी एस ठाकुर साहब का भी बहुत योगदान है अशोक वरकरे जी श्री सुशांत मिश्रा और कपिल सुदीप हुए सनत हुए संतोष ध्रुवे त्रिलोक डोंगरे सभी की मेहनत का ये नतीजा नीलू जसवाल ने मधु कछवाह जी रामवती श्री माहौल लोग लोग सभी का मतलब हमारी ग्राउंड लीजिए सब मुकाबला अब धार की रेड आती है धार 27 के बदिया 21 के शानदार मुकाबला कबड्डी का और आपको बता दें कोर्ट नंबर 1 पे भी जबरदस्त मुकाबला निशिला रेड की टीम भिड़ रही है वहाँ पे राजेश कुमार साहब हमारे प्रदेश समिति संघ के जॉइंट सेक्रेटरी और तमाम हमारे ऑफिसर्स अपनी भूमिकाएं द्वारा अदा करते हुए पक्ष में स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर हमारे बीच हो तो कृपया कोर्ट नंबर 3 पे आप संपर्क करें ऋषि साहब ने बहुत बेहतरीन इरादों के साथ इस आयोजन को मंडला के इस पावन धारा पे महेश्वरी की पावन धारा पर नर्मदा मैया के तट और क्या शानदार फुलाल के थर्ड है जो हो जाए आगे कुमार से खाई
रेड की कमान दिख रहा है विजय सर और विजय थर्ड करके थर्ड की कमान शानदार कामना निगाहें रखना मंडला वालों कुछ ना कुछ होगा इस रेड में बड़े संजार संकाबल हारी है संकेत है 29 और 22 फरमान क्या हुआ अरे हेलो लास्ट में फाइनल कॉल दीवा डिस्ट्रिक्ट वर्सेस सारा डिस्ट्रिक्ट बोथ कैप्टन प्लीज सेंड योर टीम इमीडिएटली आर कोड नंबर 3 मैदान नंबर 3 पर दीवा जिला और सागर जिला अपनी टीम को शीघ्र ले आए सागर डिस्ट्रिक्ट और रीवा जिला जल्दी आ जाए सागर जिला रीवा जिला मैदान नंबर 3 जल्दी आइए दोनों टीमें आज तो लास्ट में फाइनल कॉल सिवनी एकेडमी रतन गुरु जिला बहुत कैप्टन भी सेंट्रल टीम विजय दिया कोर्ट नंबर 4 मैदान नंबर 4 पर सिवनी एकेडमी और मुरना जिला ये दोनों टीमें सीख मैदान पर रिपोर्ट करें देखिए हम आपको सिर्फ लेकिन 20-25 से ज्यादा समय लगती है दो मिनट का समय देंगे लास्ट काम के बाद क्योंकि हम आपको पूरा 20 मिनट दे रहे हैं 25 मिनट दे रहे हैं गर्म होने के लिए आपके वापस होने के लिए इसलिए आप जैसे ही यहाँ पहुंची है आप जल्दी आ जाए क्योंकि हमारे करीब करीब 150 से 160 मैच खेले जा रहे हैं तो आप हमें थोड़ा सहयोग करें आपसे निवेदन है नहीं होगा किसके लिए मुरैना जिला मैदान नंबर 4 जल्दी आ जाए किसके लिए चाहिए रीवा जिला सागर जिला नहीं होगा यार जल्दी आ जाए ये दोनों टीमें कैप्टन रीवा जिला कैप्टन सागर जिला कैप्टन सिवनी एकेडमी कैप्टन मुरैना जिला जल्दी आ जाइए मैडम अब चले घर पे चले जाओ देख लो क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ कुछ मिनटों का ही खेल से रविंद्र जी यादव साहब की उंगलियां बताती हुई यानी कि मुकाबले में धार अब थोड़ी बढ़त पे है और 23-31 यानी कि 8 पॉइंट के लिए मैच है 5 नंबर की जर्सी में पूरा गिरे भाई है एक दो क्विक और बात खेल सकते हो और इस पर रेट की दरकार हो गया है आखिरी 2 मिनट का कॉल 2 मिनट में 8 पॉइंट खबर क्या कर पाएगी दुनिया की जी देखना होगा सामने से आकर ब्लॉक किया बॉडी पेंट्री है शानदार लेकिन डिफेंस बहुत ही कमेंशन के साथ खेल रहा है राइट कॉर्नर हो चाहे कवर हो चाहे राइट चीन लेफ्ट चीन और धार बात करें टाइम आउट लिया है धार में धार 32 है जतिया 23 है फासला 9 पॉइंट का धार के पक्ष में अगली जो टीमों का कॉल हुआ है कृपया समय का विशेष ख्याल रखें उन्होंने शानदार आयोजन देखने को मिलता हुआ ये टू और आई रेड है धार की दो नंबर की जर्सी में टू और आई रेड नजर आए हैं देखना होगा सब नाम है नागेश नागेश के अवार्ड से करा पाएंगे बेहतरीन डबल थाई और शानदार टैकल लेफ्ट कॉर्नर का दो नंबर के खिलाड़ी को दो नंबर की जर्सी में टैकल किया उनका नाम है बात करें मुकेश आखिरी मिनट पर देते लीड अब 8 पॉइंट की भारत के खेलों में शानदार निकालना आखिरी मिनट में 8 पॉइंट कवर करना हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट से हरो के बराबर जी सर फाइनल स्कोर बैतूल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हरदा कॉर्पोरेशन बैतूल डिस्ट्रिक्ट हैज स्कोर 12 पॉइंट्स हरदा कॉर्पोरेशन हैज स्कोर 29 पॉइंट्स हरदा कॉर्पोरेशन विन द मैच मार्जिन ऑफ 17 पॉइंट्स 17 से यह मैच हरदा ने जीता है बहुत-बहुत धन्यवाद सर लगातार पूरी टीम एक-एक के आंकड़े को और टीमों को बहुत सुख स्वरूप बहुत सुख कारण
सुभाना जैसे शर्मा साहब के मार्गदर्शन में गांव रेडियो स्टेशन में 133 वाइट उधार दतिया है दूसरे तरफ चौबीस अब जीत की तरफ हार आखिरी मिनटों के कुछ सेकेंड्स काफी थे देखना होगा ये क्या आखिरी रेड होगी या इसके बाद बहुत रेड आएगी गलती शाम दुनिया चमचमाती रोशनी आपके मेजबानी आतंकवाद मंडला और मुकाबला जीत लिया है धार ने फाइनल स्कोर आगे देख लेते हैं धार रहे 33 पे दतिया 26 33-6 रीवा जिला सागर जिला मैदान नंबर 3 जल्दी आइए आप जल्दी आ जाइए आपको 2 मिनट बोला था लेकिन आप 5 मिनट लगे आपके अरुण भाई देख लीजिए अगर मान नहीं आगे टीम है तो आपने काफी सीख कर लीजिए मेरे से रीवा रीवा जिला और सागर जिला मैदान नंबर 3 मैदान नंबर 4 पर सिवनी अकेडमी बुलना जिला जल्दी आ जाइए आप सिवनी जिला बुलना जिला जल्दी आइए आपसे बोला है समय का ध्यान रखिए हमें बहुत मैचेस करने हैं आप आपके दो दो या पांच मिनट भी हम बचाएंगे तो हम काफी मैच कर पाएंगे आपसे निवेदन है समय का अभाव है इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कृपया जैसे अनाउंसमेंट होती है आप तुरंत जाइए वहां पे सिवनी अकेडमी बुलंद जिला मैदान नंबर 4 जल्दी आ गए दूसरी तरफ ग्वालियर जिला 15 पे 31 क्या ग्वालियर वापसी करेगी सुपर क्या कलर है ग्वालियर की टीम में टमखा है वापसी करने का लेकिन सीहोर के खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी अच्छा हो रहा है हमारी तरफ चाहे निखिल सलामत हो संजय हो मुकाबला अपने नाम कर लिया इस समय सीहोर जिला में सीहोर के स्कोर रहे इस समय 31 ग्वालियर रहे 15 पॉइंट्स के साथ बहुत सारे शुभकामनाएं दोनों टीमों को अभिजीत सिवनी जिला बुना जिला मैदान पर जा सिवनी जिला सिवनी अकेडमी और बुना जिला जल्दी आ जाए आप मैदान खाली है मैदान पर चार पर रिपोर्ट करें आप डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम कार्पोरेशन बहुत क्या कोड नंबर लोरी